सोशल मीडिया पर लगातार सिद्धू के बारे में अभी भी बातें चल रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से मारकर हत्या कर दी गई, ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था। न सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्री को इस इंसिडेंट ने हिला कर रख दिया है, शॉक कर दिया है। चाहे टेलीविजन एक्टर्स हों, चाहे आप बॉलीवुड एक्टर्स की बात कीजिए, हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से कंडोलेंसेज ऑफर किए। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस जोन से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि कई ज्यादा बिजी एक्टर्स होने के बावजूद, कई बार आप बहुत ट्रैवल कर रहे होते हो, उन चीजों में कहते हैं ना कि बिजी रखो तो अपने आप को इन चीजों से ध्यान निकल जाता है, लेकिन इतना बिजी होने के बावजूद शायद निकी तंबोली अब तक अपने दिमाग से इस चीज को नहीं निकाल पा रही है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स। मैं हूं ज्योति नाहक। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है ज्योति नाहक 7। आप चाहें तो जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त निकी तंबोली ने एक पोस्ट शेयर किया है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि आधी रात को भी वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की इस डिमाइज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और इसीलिए वो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है उन्हें लेकर। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं निकी तंबोली ने ये पोस्ट शेयर किया है, और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, #justiceforsidhumoosewala, और हाथ जोड़े हैं, जनता के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि वी नीड जस्टिस। आपको इस बारे में क्या है कहना, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या है राय।